बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एडे विद मॉर्निंग में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे अपने देसी खानों में से एक ही देसी डिश, साग, जो आप लोगों को यकीनन बहुत पसंद आएगी और ये तकरीबन हर बंदे की पसंदीदा है। तो आज हम इसको अपने अंदाज में बनाना सिखाएंगे। तो जिन चीज़ों के लिए ज़रूरत है उनमें सबसे पहले है साग। आप साग देख सकते हैं, मैंने इसको फ्रीज़ किया हुआ था। मैं अक्सर काफ़ी ले आती हूँ तो मैं इसको फ्रीज़ करके रख लेती हूँ। फ्रीज़ करने का तरीका ये है कि जस्ट इसको काट के आप इसमें पानी में उबाल देना है और एक उबाल के बाद आप इसको छलने से छान कर फ्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास है पालक और मेथी। पालक जो है वो है आधा किलो और जो मेथी है वो है एक पाव। जो हरी मिर्चें हैं वो हसबे ज़रूरत है, लेकिन ये है कि साग के अंदर मिर्चें थोड़ी ज़्यादा ही अच्छी लगती हैं। नमक हम अपने हसबे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। और उस तरफ चूल्हे पे मैंने पानी रख दिया है जिसके अंदर हम अपना साग डालकर पकाना शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने पानी के अंदर साग डाल दिया है। पानी इतना होना चाहिए कि साग इसके अंदर अच्छी तरह डूब जाए, क्योंकि हम साग को 2 से 3 घंटे तक अच्छी तरीके से पकाएंगे। जब ये अच्छी तरह गल जाएगा तो हम इसको चेक करते रहेंगे, और जब हमें ज़रूरत लगेगी कि साग दरमियाना हो चुका है तो हम इसके अंदर अपनी मेथी और अपना पालक ऐड कर देंगे। वो डालने के बाद भी हम इसको कम से कम 1 से 1.5 घंटा और अच्छे तरीके से पकाएंगे। और ये हरी मिर्च है ये भी हम इनके साथ ही ऐड कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह नरम पड़ जाएं, और उसके बाद हम इनको जब पीस लेंगे तो ये इनको पता भी ना चले कि हमने इनके अंदर हरी मिर्चें ऐड की थी। दोस्तों, हम अपने फ्लेम थोड़ी तेज़ कर दी है। जैसे इसके अंदर एक उबाल आ जाएगा हम इसकी फ्लेम बिल्कुल धीमी कर देंगे। साग जितनी हल्की आँच पर जितना ज़्यादा टाइम लेगा ये पकेगा ये उतना ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो हमें इसको पकाने गलाने के लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। तो हम आपसे मिलते हैं 1 से 1.5 घंटे के बाद। जी हाँ दोस्तों, तब हम अपना चेक करते हैं। तकरीबन हमें 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है साग को पकाते हुए। देखिए, इसका पानी जो हमने इसके अंदर ऐड किया था वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अभी हम इस पॉइंट पे इसके अंदर मेथी और पालक ऐड कर देंगे। नमक मैंने अभी तक नहीं डाला है। जब मैं पालक और मेथी ऐड कर दूँगी उसके बाद मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। तो अभी हम डालते हैं पालक और मेथी। जी दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर पालक और मेथी ऐड कर दी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक। नमक हम कम डालेंगे क्योंकि मेथी, पालक और साग के अंदर भी नमक होता है ऑलरेडी। तो आप अपने आम सालन की मकदार से थोड़ा कम ही डालिएगा। मैं इसके अंदर डालूंगी तकरीबन 1/4 चम्मच। ये मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है। अब हम इसको मज़ीद 1 घंटा और पकाएँगे। साग में तो बहुत मेहनत होती है, और मेरे घर में जो खुशबू आ रही मैं आपको बता नहीं सकती। साग की जो खुशबू है इस वक्त मेरे मुंह में, अभी से पानी आना शुरू हो गया। यकीन आप लोगों के मुंह भी पानी होगा। चले हम इसको मज़ीद बनाते हैं 1 से 1.5 घंटा, फिर उसके बाद का जो मेथड हम आपको दिखाते हैं। जी दोस्तों, मैंने इसको चूल्हे से उतार लिया है। अब मैं इसको दिखाऊंगी कि इसको कैसे घोटना है, मतलब हमने कपड़े से पकड़ना है क्योंकि मेरा पतीला जो काफ़ी गर्म है। अब हम इसको ऐसे मैश करते रहेंगे। अगर आप टाइम की बचत करना चाहते हैं तो आप ग्राइंडर से भी चॉप कर सकते हैं, जिस तरह के जूसर के अंदर डाल लिया और आपने कर लिया। लेकिन मैं हाथ से करना चाहती हूँ, थोड़ी मेहनत का काम है पर मेहनत में ही मज़ा है, ऐसी बात नहीं है। अब मैं इसको अच्छी तरीके से घोटने के साथ घोट लूँगी। जब ये लगे कि ये तमाम चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं, यकजा हो चुकी है, तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे बेसन। बेसन है तकरीबन मेरे पास 1 कप, और दही है मेरे पास तकरीबन 1 से 1.5 कप। ये चीज़ हम इसके अंदर डाल देंगे और जब हम डालते रहेंगे आपको दिखाते रहेंगे। जी दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कितना अच्छे से घोट लिया है। आप देख सकते हैं, आप चाहें तो आप ग्राइंडर से भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन इसमें बहुत मेहनत थी। अब ये जो मेरे पास बेसन है ये मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करती रहूँगी और इसको मिक्स करती रहूँगी। आपने भी इसी तरह मिक्स करते रहना अच्छे तरीके से। ये देखें, आपको नजर आ रहा होगा, इसी तरह करके मैं थोड़ा थोड़ा अपना तमाम बेसन इसके अंदर ऐड कर दूंगी। बहुत ही मज़ेदार है ये। जब आप बनाएंगे और खाएंगे सब घर वाले आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे कि आया आपने क्या बनाया है, बहुत मज़ेगा।
जी फ्रेंड्स, तो देखिए मैंने इसके अंदर तमाम बेसन ऐड कर दिया है और अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स भी कर लिया है। अब हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे। अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा दही ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं चेक करती रहूँगी कि आया मेरा कितना खट्टा हुआ है। जी दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर दही ऐड कर दी है और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। इस पॉइंट पे आप अपने नमक और मिर्च दोनों चेक कर सकते हैं। अगर वो कम हो तो आप दोनों चीज़ डाल सकते हैं। मिर्चों को आप चॉप करके डाल सकते हैं अगर हरी मिर्च डालना चाहते हैं तो, लेकिन मेरी मिर्च और नमक बिल्कुल परफेक्ट है तो मैं इसमें कुछ नहीं डालूंगी। अब इसमें मज़ीद मैं एक कप पानी और ऐड कर दूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं थोड़ा सख्त है। अभी मैंने इसको और पकाना है क्योंकि मैंने इसके अंदर अभी बेसन और दही का ऐड किया है। अब मैं इसको मज़ीद 15 से 20 मिनट पकाऊंगी। बस फिर इसके बाद हम तड़का लगाएंगे और तड़के के बाद हम आपको गार्निश करके दिखाते हैं कि हमारा साग कैसा बना है। तड़के में मैं सिर्फ लहसुन है ये बारीक मैंने थोड़ा काट लिया, अगर आप चाहें तो आप चॉप भी कर सकते हैं। जीरा और देसी घी का तड़का लगाऊंगी। मैं आपको दिखाऊंगी देसी घी का तड़का, मुझे तो देसी घी में साग बहुत पसंद है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मक्खन है तो मक्खन, लेकिन मुझे मक्खन ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं देसी घी का इस्तेमाल करती हूँ ज़्यादा। तो जैसे ये बनता है 15-20 मिनट बाद हम आपसे मिलते हैं। जी दोस्तों, आप इस पॉइंट पे इसको फ्रीज भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा है, या कुछ दिनों बाद खाना चाहते हैं तो आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। ठंडा करके आप इसको किसी भी लंच बॉक्स या थैली में डालकर आप फ्रीज़ कर। जी दोस्तों, तो फिर मेरा साग हो गया बिल्कुल रेडी। अब हम इसमें लगाते हैं तड़का। तड़के के लिए मैंने लिया है देसी घी। देसी घी जो मैंने चम्मच इसमें डाला हुआ है, ये बड़े 2 चम्मच मैंने भर के लिया है। अब हम इसको रख देंगे अपने चूल्हे पे और फ्लेम को कर देंगे लो मीडियम, और फिर हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन। लहसुन के बाद हम डाल देंगे इसमें ज़ीरा, और ज़ीरे के साथ ही डाल देंगे हम इसके अंदर लाल मिर्चें। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप ज़ीरे और लहसुन के साथ भी लगा सकते हैं। बस अभी हम डिश आउट करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। जी दोस्तों, तो देखिए हमारा लहसुन जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर ज़ीरा वो ऐड कर देंगे। अब जैसे हमारा ज़ीरा कड़कड़ा रहा है आपको आवाज़ आ रही होगी, अब हम इसके अंदर अपने रेड मिर्चें जो हैं वो भी ऐड कर देंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे, और हमारा तड़का तैयार है। बिस्मिल्लाह, ये देखें। और जो बाकी का तड़का है वो हम अपनी पतीली वाली में डाल देंगे। और हरा धनिया डाल के इसको गार्निश करेंगे। जी नाज़रीन, देखिए कितना खूबसूरत और हसीन लग रहा है। मुझसे तो भूख बर्दाश्त नहीं हो रही भी। मैं तो अब जल्दी से रोटियां बनाती हूँ और खाती हूँ। वैसे आप इसको गंदम की रोटी के साथ, मकई की रोटी के साथ, बाजरे की रोटी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन मैं गंदम की रोटी के साथ खाऊंगी। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा और नेक्स्ट रेसिपी तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।